हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभित मिश्रा है। मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना IRS इन्फोटेक फरुखाबाद से हार्डवेयर का कोर्स कर रहा हूँ। आज मैं आपको रैम को मदरबोर्ड पर इंस्टॉल करना बताऊंगा। रैम को मदरबोर्ड पर इंस्टॉल करने के लिए हमें एक मदरबोर्ड और एक रैम की जरूरत होती है। ये हमारा मदरबोर्ड है, इसे हम मेन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। ये तो हमारे रैम स्लॉट होते हैं जिन पे हम अपनी रैम को लगाते हैं। ये हमारी रैम होती है जिसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें जो भी हमारा डाटा होता है वो अगर CPU हमारा बंद हो जाता है तो डाटा चला जाता है। इस पर एक कर्ड बना हुआ होता है जो कि एक इंडिकेशन होता है कि हमें रैम को रैम स्लॉट पर किस तरह लगाना है। हमें रैम को रैम स्लॉट पर लगाने के लिए सबसे पहले रैम को रैम स्लॉट पर रखना होता है और इसके कट को मैच करना होता है। और जैसे ही इसके कट को मैच कर लेते हैं उसके बाद हमें रैम को हल्के से प्रेस करना होता है। जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं तो जो रैम स्लॉट के लॉक होते हैं वो इसे ऑटोमेटिकली लॉक कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी रैम है वो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल हो चुकी है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और NSDC की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम कुछ नया सीख सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें। थैंक यू NSDC।